गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम का, जो कि हमारा बचा हुआ है नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, डैट इज़ कॉर्डेटा। कॉर्डेटा क्यों बोल रहे हैं इसे, मैंने आपको बताया था क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको कॉर्डेटा बोलते हैं। कॉर्डा डॉर्सेलिस द नोटोकॉर्ड इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फाइलम, यानी नोटोकॉर्ड इसका करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। ऑल एनिमल्स हैव अ नोटोकॉर्ड आइदर थ्रू आउट लाइफ और ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेज ओनली इट इज़ रिप्लेस बाय वर्टिब्रा कॉलम, यानी सबके पास नोटोकॉर्ड होनी जरूरी है अपनी लाइफ की किसी ना किसी स्टेज में। किसी के पास लार्वल स्टेज में रहती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहती है, और किसी के पास एडल्ट में रहती है। बट कुछ में ये नोटोकॉर्ड जो होती है एडल्ट में किस में कन्वर्ट हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। सेंट्रल नर्व सिस्टम इज डॉर्सल हॉलो एंड इंक्लूड अ सिंगल नर्व कॉर्ड, यानी ये मैं कॉर्डेटा के करेक्टरिस्टिक फीचर्स बता रही हूँ कि एक तो उसके पास नोटोकॉर्ड होती है, दूसरा सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है, पेयर फ्रेंजियल गिल्स होते हैं उसके पास, आर प्रेजेंट, दे आर फंक्शनली थ्रू आउट लाइफ एंड ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज। ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही क्या प्रेजेंट होते हैं, पेयर्ड फेरेंजियल गिल्स स्लिट्स प्रेजेंट होती है। उसके अलावा पोस्टर्नल टेल होती है इनके पास और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है विद द वेंट्रल हार्ट एंड हीमोग्लोबिन इन इरिथ्रोसाइट। इनकी इरिथ्रोसाइट क्या होती है, इरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स को बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। एनिमल आर यू सिलोमेट ही बोलूँगी मैं यहाँ, दे शो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गनाइजेशन एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखो बच्चों, ये मैंने अभी बोला कि इसमें ये वाली जो है आपकी, ये पूरा का पूरा नर्व कॉर्ड है। मैंने कहा था ये एम्ब्रियोनिक स्टेज बता रही हूँ मैं किसी भी कॉर्डेट की, उसमें ये नर्व कॉर्ड होता है, ये जो है ये नोटोकॉर्ड है, ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल बता रहा है ये, ठीक है, और ये लास्ट में जो है ये पोस्टर्नल है, पोस्टर्नल कैनाल। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक फीचर्स जब कॉर्डेटा में प्रेजेंट होते हैं इसलिए इनको कॉर्डेटा बोला जाता है। अब जो कॉर्डेटा, जिन कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, दिस टाइप ऑफ कॉर्डेटा इज नॉन एज वर्टिब्रेट्स। अगेन बोल रही हूँ बच्चों, जिन कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती हैं उन कॉर्डेटा को हम क्या नाम देते हैं, उन कॉर्डेट्स को हम क्या नाम देते हैं, वर्टिब्रेट्स, उनको हम क्या बोल रहे हैं, वर्टिब्रेट्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में डिफरेंस बता रखा है कि इसके पास तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, यहाँ नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। सेंट्रल नर्व सिस्टम इंक्लूड अ सिंगल डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, सेंट्रल नर्व सिस्टम है इंक्लूड्स सिंगल डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड होता है। सेंट्रल नर्व सिस्टम इंक्लूड अ डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड होती है इसमें। ठीक है, उसके बाद आते हैं हार्ट वेंट्रल होता है, हार्ट डॉर्सल होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसी में, या हीमोग्लोबिन डिजॉल्व इन द प्लाज्मा एंड नॉट इन द सेल। प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में होता है, वहाँ मैंने बताया था, कुछ में हीमोसाइनिन बताया था, कुछ में हीमोग्लोबिन बताया था, बट वो प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में होता है, जबकि यहाँ पे इरिथ्रोसाइट में प्रेजेंट होता है। फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, फेरिंग्स जो होती है वो गिल स्लिट में परफोरेटेड, यानी परफोरेशन का मतलब अलग अलग पोर्स की फॉर्म में होना। ठीक है, गिल स्लिट्स एब्सेंट होती हैं, पोस्ट एनल टेल होती है, इज प्रेजेंट एट द स्टेज ऑफ लाइफ, लाइफ की एक स्टेज में पोस्ट एनल टेल होती है जो कि यहाँ पे एब्सेंट होती है। ये मेन डिफरेंस होते हैं कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में। नेक्स्ट यदि मैं कॉर्डेटा की बात करूँ तो कॉर्डेटा में बच्चों सब फाइलम होता है, सिफिलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। सिफिलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा ये दो सब फाइलम है, और वर्टिब्रेटा जो कि मैंने अभी आपको बोला कि जिसमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज वर्टिब्रेट्स कहला रहे हैं वो सब फाइलम वर्टिब्रेट होता है। इनमें ये नोटोकॉर्ड जो है नोटोकॉर्ड की ही स्टेज में रहती है। फिर आते हैं वर्टिब्रेटा, फिर दो डिवीजन करते हैं, एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा जो होते हैं जिनमें जॉ नहीं होती, जॉलेस फिश बोलते हैं, जिसमें साइक्लोस्टोमेटा आती है, जिसमें जॉ प्रेजेंट होते हैं ग्नेथोस्टोमेटा होता है, इसमें फिश पीसीज आती हैं और टेट्रापोड आते हैं। पीसीज जो होती हैं फिन फॉर लोकोमोशन, ये जो फिन होते हैं लोकोमोशन के लिए होते हैं, कॉन्ट्रोथाइटिस एंड ऑस्टियोथाइटिस, इसमें दो क्लासेस रहती हैं। पीसीज में फॉर द लोकोमोशन फिन प्रेजेंट होते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर इसकी बनी हुई रहती है फिन्स की। ठीक है, जबकि
टेट्रापोड्स में लिम्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्स क्या होते हैं, जैसे ये फोर लिम्ब हो गया अपना, और लेग को बोलते हैं हैंड लिम्ब, हैंड को फोर लिम्ब बोल रहे हैं और लेग को हैंड लिम्ब बोल रहे हैं, तो फोर लिम्ब्स प्रेजेंट होते हैं। तो उस ग्रुप को मैंने क्या नाम दिया है, उस ग्रुप को मैंने टेट्रापोडा कहा है। और इसमें मेनली फोर क्लास आते हैं, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एविजन, मैमिलिया, इसमें मेनली फोर क्लासेस रहती है। तो ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन कॉर्डेटा का हो गया। क्यों बोला यहाँ पे मैंने सिफिलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड किसमें कन्वर्ट नहीं हो रही है, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं हो रही है, जबकि वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है इन एडल्ट। एडल्ट में एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड होती है और एडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। फिर एक नेता यानी जॉ नहीं होते या जॉ होते हैं, फिर इसमें पीसेज और टेट्रापोडा। पीसेज क्यों बोला, क्योंकि जिनमें फिन्स होते हैं, इसमें फिश आती है मेनली, और दो तरह की फिश होती है, कॉन्डोथाइटिस और ऑस्टियोथाइटिस। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनका जो स्केल्टन है कार्टिलेज से बना है तो कॉन्डोथाइटिस, और स्केल्टन यदि बोन से बना है तो ऑस्टियोथाइटिस। टेट्रापोडा में मैंने बताया लिम्स होते हैं, लिम्स बार बार बता रही हूँ बच्चों, हाइंड लिम यानी हैंड, सॉरी फोर लिम यानी हैंड, और हैंड लिम मतलब लेग। तो मेनली इसमें आते हैं एम्फीबियन, रेप्टाइल, एविजन, मैमिलिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों स्टार्ट करते हैं हम सिफिलोकॉर्डेटा से। सिफिलोकॉर्डेटा एनिमल मेनली हैबिटेट मैंने सब में बताया है आपको। एनिमल्स आर एक्सक्लूसिवली मरीन, ये मरीन वाटर में रहते हैं। नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर एंड इट प्रसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। इसमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो या तो एंटीरियर पोर्शन में होगी बॉडी के, या फिर पोस्टीरियर पोर्शन में होगी, पर लाइफ पूरी लाइफ नोटोकॉर्ड ही होती है, वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट नहीं होती है। दिस टाइप ऑफ एनिमल्स जो हैं किस में रखे जाते हैं, सिफिलोकॉर्डेटा सबफाइलम में रखे जाते हैं। और इसका एग्जांपल जो है वो क्या है, ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे एम्फीऑक्सिस भी कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम यूरोकॉर्डेटा, ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन यानी हैबिटेट इसका मरीन वाटर है। द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ऑनली द टेल रीजन ऑफ द लार्वल स्टेज। इसमें नोटोकॉर्ड जो है केवल लार्वल स्टेज यानी एडल्ट में तो होगी ही नहीं नोटोकॉर्ड, बट टेल रीजन में होगी, और वो भी कौन सी स्टेज में, लार्वल स्टेज में होगी। ये डिफरेंस ध्यान रखना बच्चों। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सल्पा, डॉलियोलम और एस्किडिया। क्लियर। नेक्स्ट अब फाइलम पे आते हैं बच्चों वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में मैंने अभी आपको बताया नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट। क्लियर हो गया। दे हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम विद वेंट्रल हार्ट विद 2, 3, 4 चैम्बर एंड हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल। मैंने आपको पहले ही बताया था क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है। हार्ट से आर्टरी ब्लड को लेके जाती है टिश्यू। टिश्यू में क्या होती हैं, कैपिलरीज होती हैं ब्लड वेसल, और कैपिलरी से वेन के थ्रू अगेन हार्ट में आता है। तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज नॉन एज ओपन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। उसके अलावा इनका जो हार्ट होता है वो वेंट्रल होता है, और इसमें 3 to 4 चैम्बर होते हैं, ये हमें पता है। वो मैं बताऊंगी, जैसे फिश से लेकर मैं आपका मैमल्स तक जाऊंगी तो वो चैम्बर का अपना आ जाएगा इसमें। राइट। हीमोग्लोबिन मैंने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन सेल में होता है, और वो सेल कौन सी होती हैं, इरिथ्रोसाइट, डेट इज आरबीसी। आरबीसी भी बोलते हैं। एनिमल हैव किडनी फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। एनिमल्स के पास किडनी होती है फॉर द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। पेयर्ड लैटरल अपेंडिजेज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फिन एंड लिब। इनके पास क्या पाए जाते हैं, लैटरल अपेंडिजेज प्रेजेंट होते हैं, पेयर्ड लैटरल अपेंडिजेज होते हैं। ठीक है। तो ये वर्टिब्रेटा के करैक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े। अब इनकी हम आते हैं क्लास में। फर्स्ट क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो का मतलब सर्कुलर, स्टोमा का मतलब ओपनिंग और माउथ, एंड स्टोमेटा हैंस द एनिमल विद सर्कुलर माउथ ओपनिंग एंड आर कॉल्ड साइक्लोस्टोमेटा। यानी इनके जो माउथ होता है वो सर्कुलर होता है, इसलिए इनको मैं क्या नाम देती हूँ, साइक्लोस्टोमेटा नाम दे रही हूँ। करैक्टरिस्टिकली दे हैव अ सर्कुलर सक्टोरियल माउथ। सर्कुलर और सक्टोरियल माउथ होता है विदाउट जॉ। जॉ नहीं होते, ये मैंने अभी बताया आपको। दे आर एक्टोपैरासाइट ऑन अदर फिश। यानी ये मरीन वाटर में ही रहते हैं। मरीन वाटर में भी ये कौन सी कंडीशन हमने कौन सी देखी कि फिश जो होती है उनके ऊपर आउटर सरफेस पर, एक्टोपैरासाइट का मतलब स्किन के ऊपर की तरफ रहना, उस कंडीशन को बोलते हैं एक्टोपैरासाइट कंडीशन। 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट आर प्रेजेंट। इनके पास 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होती हैं। बॉडी लैक स्केल एंड पेयर्ड फिन्स। बॉडी के पास किसी भी तरह के स्केल्स नहीं होते हैं, पेयर्ड फिन नहीं होती हैं। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। क्रेनियम होता है इसके हेड को बोल रहे हैं, और वर्टिब्रल कॉलम बैक को बोल रहे हैं। दोनों ही कार्टिलेजिनस यानी कार्टिलेज से बने हुए होते हैं। मैंने कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाए थे आपको कार्टिलेज और बोन के, तो ये किससे बन रहे हैं, कार्टिलेजिनस हैं।
सर्कुलेशन क्लोज टाइप अभी बताया मैंने, एनिमल्स आर मरीन, एनिमल्स जो होते हैं मरीन होते हैं बट मूव टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉइंग सॉरी स्पॉइंग विद इन अ फ्यू डेज आफ्टर स्पॉइंग दे डाई। क्या बोलना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि इसके जो एडल्ट होते हैं वो मरीन वाटर में रहते हैं बट जब इनको स्पॉइंग यानी रिप्रोडक्शन करना होता है तभी फ्रेश वाटर में जाते हैं। फ्रेश वाटर में जाने के बाद ये क्या करते हैं, बर्थ करते हैं। ठीक है, बर्थ देने के बाद जब जैसे ही न्यू साइक्लोस्ट्रोबेटा डेवलप्ड हो जाते हैं, चाइल्ड ऑफस्प्रिंग उनकी डेवलप्ड हो जाती है, वैसे ही जो इनके एडल्ट होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे डेवलप होते हैं और वापस मरीन वाटर में आ जाते हैं। अगेन बता रही हूँ बच्चों, इसमें क्या होता है कि खुद एनिमल तो मरीन वाटर होता है जब स्पॉइंग यानी इनका रिप्रोडक्टिव पीरियड आता है तब ये फ्रेश वाटर में जाते हैं, बच्चे देते हैं, खुद की डेथ हो जाती है, बच्चे धीरे धीरे डेवलप्ड होते हैं और अगेन किस में आ जाते हैं, मरीन वाटर में आ जाते हैं। तो ये आपका कंप्लीट ये क्या हुआ, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं अमोसीट्स लार्वा, इनके जो लार्वा होते हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है, अमोसीट लार्वा, मेटामॉर्फिक इनटू एडल्ट एंड रिटर्न टू द सी। क्लियर, कि अमोर्फिस लार्वा जो होता है वो धीरे धीरे एडल्ट में कन्वर्ट होता है और वापस मरीन वाटर में चला जाता है। ठीक है, मिक्जीन और पेट्रामाइजोन इसके एग्जाम्पल हो गए। कॉन्ड्रोथाइटिस जो होते हैं, एनिमल आर कॉमनली कॉल्ड कार्टिलेजिनस फिश भी कहा जाता है। मैंने अभी आपको बोला इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है मेनली वो किससे बना होता है, कार्टिलेज से बना हुआ होता है। ठीक है, स्केल्टन मेनली बोलूँगी, एंडो और एक्जोनी, स्केल्टन जो होता है कार्टिलेज से बना हुआ होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रियोथाइटिस नाम दिया जाता है। कॉन्ड्रियो यानी कार्टिलेज, थाइटिस यानी फिश, यानी कार्टिलेजिनस फिश। क्लियर, दे एंडोस्केल्टन्स आर कार्टिलेजिनस, बॉडी इज फ्यूजीफॉर्म स्ट्रीमलाइंड विद कार्टिलेजिनस एंडो स्केल्टन। फिश की जो पूरी की पूरी इस तरह की बॉडी होती है उसे स्ट्रीमलाइन बॉडी कहा जाता है। उसकी बॉडी के ऊपर स्केल्स यानी टफ सरफेस देखिए, वो टफ सरफेस किस कारण से होती है, प्रेजेंस क्यों हो रही है वो, क्योंकि उसके पास स्केल प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ स्केल होते कौन से हैं, प्लिकॉइड स्केल होते हैं, माउथ इज वेंट्रल, टीथ आर मॉडिफाइड प्लिकॉइड स्केल्स एंड आर पॉइंटेड ब्लैकवर्ड। माउथ जो होता है इनका वेंट्रल होता है, टीथ आर मॉडिफाइड प्लिकॉइड स्केल, टीथ जो होते हैं इनके टीथ और ऊपर वाले स्केल वो टीथ बने हुए किससे होते हैं, मॉडिफाइड प्लिकॉइड स्केल से ही बने हुए होते हैं और आर पॉइंटेड बैकवर्ड और वो पीछे की तरफ पॉइंटेड होते हैं। जॉ आर पावरफुल, जॉ इनके पावरफुल होते हैं। एनिमल्स आर प्रीडेसियस, 5 to 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, दे आर नॉट कवर्ड बाय ओपरकुलम। इनमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है जिसपे ओपरकुलम नहीं होता है। एयर ब्लेडर भी एब्सेंट होते हैं। एनिमल हैव टू स्विम कंटिन्यूसली टू अवॉइड सिंकिंग ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लेडर। एयर ब्लेडर नहीं होने के कारण इनको रेगुलर तैरना पड़ता है, अगर ये नहीं तैरेंगे तो ये डूब जाएंगे, ये ध्यान रखना है। इसमें हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, एक एट्रियम एक वेंट्रिकल होता है इसमें। एनिमल आर पॉइकिलोथर्मल कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है बच्चों, जिस एनवायरनमेंट में एनिमल रहता है उसी एनवायरनमेंट में रह सकता है, यदि उस एनवायरनमेंट से हमने उसे चेंज करके दूसरे एनवायरनमेंट में लाया तो उसकी डेथ हो जाएगी। दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज कोल्ड ब्लडेड या पॉइकिलोथर्मल ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो ये जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं वो क्या होती हैं, पॉइकिलोथर्मल होती हैं। सम एनिमल लाइक टॉर्पिडो पजेस इलेक्ट्रिक ऑर्गन एंड सम लाइक टाइगोन पजेस पॉइजन स्टिंग। कुछ एनिमल जो होते हैं जिनके पास क्या होता है, टॉर्पिडो जैसे नाम दिया इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं और कुछ के पास स्टिंगिंग पॉइजन स्टिंग होती है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये होता है इनके पास। एनिमल आर यूनिसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल और मैनी आर विविपेरस। एनिमल यूनिसेक्सुअल होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और विविपेरस होते हैं, यंग वंस को बर्थ दे रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स होगी इसके स्कॉलिडॉन, टाइगोन प्रिस्टिस और कार्चो रोडोन। क्लियर, तो ये तो हो गया आपका कॉन्ड्रोथाइटिस। अब आते हैं हम ऑस्टियोथाइटिस पे। ऑस्टियोथाइटिस जो होता है इनमें मेन स्केल्टन जो होता है वो बोन का बना होता है, इसलिए से बोनी फिश भी कहा जाता है। एनिमल्स आर कॉल्ड बोनी फिश। ऑस्टियोबोन, ऑस्टियो का मतलब बोन और थाइटिस का मतलब हो गया फिश, आर दे हैव बोनी एंडोस्केल्टन। बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड क्लियर विद बोनी एंडोस्केल्टन। बॉडी इज कवर्ड बाई साइक्लॉइड, वहाँ पे कौन से स्केल थे, प्लिकॉइड, यहाँ पे कौन से स्केल हैं, साइक्लॉइड। माउथ टर्मिनल होता है इनका, दे हैव 4 पेयर स्लिट एंड कवर्ड बाई ओपरकुलम। वहाँ पे वो ओपरकुलम से कवर्ड नहीं था, ये ओपरकुलम के थ्रू कवर रहते हैं गिल स्लिट्स। एयर ब्लेडेड यहाँ प्रेजेंट होते हैं इसलिए इनको रेगुलर स्विमिंग की जरूरत नहीं होती है, ये रेस्ट कर सकते हैं। हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, एक तो
मैं बताऊंगी, टू चैम्बर्ड हार्ट में एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। एनिमल्स आर पॉइकिलोथर्मल, अभी बताया था, कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं जिसे, जो कि उसी एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, उस एनवायरनमेंट से बाहर निकालेंगे तो उसकी डेथ हो जाती है। सेक्स आर सेपरेटेड, सेपरेटेड होते हैं यानी यूनिसेक्सुअल कंडीशन होती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल यानी बॉडी के बाहर, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, ठीक है, कोई भी लार्वल स्टेज में नहीं आती है। इसमें हो जाएगा लेबिया, कटला, बीटा, ये इसके हिप्पोकैम्पस, ये सारे के सारे कौन से होते हैं, ऑस्टियोथाइटिस यानी बोनी फिश के एग्जांपल। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्लास पे, एम्फीबियंस स्पीसीज अपनी क्लियर होगी जिसमें फिश आती हैं, कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश। अब आते हैं एम्फीबियंस शो ड्यूअल मोड ऑफ लाइफ, एम्फी यानी टू, बायोस यानी लाइफ, बोथ टेरेस्ट्रियल और इन वाटर ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। कहने का मतलब ये होता है कि एम्फीबियंस, बायोफाइट्स में बताया था बच्चों, मैंने क्वेश्चन भी दिया था आपको और मैंने वहाँ पे ये बात बताई थी कि बायोफाइट्स जो होते हैं वो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। नॉर्मली वो लैंड पे रहते हैं पर अपने रिप्रोडक्शन के लिए वो कहाँ आते हैं, वाटर में आते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पे भी कि ये एम्फीबियंस अब लैंड पे रहना स्टार्ट हो जाते हैं बट ये भी ब्रीडिंग सीजन में कहाँ आ जाते हैं, वाटर में, क्लियर। द ट्रंक बियर टू पेयर ऑफ लिम, इनके जो ट्रंक होता है, ट्रंक बॉडी के इस पार्ट को पूरे को बोल रहे हैं, उसको उसके पास टू पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, ये फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। स्किन इज मॉइस्ट एंड हैज म्यूकस ग्लैंड, इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है और मॉइस्ट होने का रीजन क्या होता है कि उसमें म्यूकस ग्लैंड होती है। आई आर लार्ज प्रोजेक्टिंग टू कंपनसेट फॉर द एब्सेंस ऑफ नेक, कि इनकी आई लार्ज होती हैं, उसके बाद प्रोजेक्शन टू कॉम्पनसेट, इसमें नेक नहीं होती है, ठीक है, हेड हो गया और वो पूरा का पूरा पूरा पोर्शन, फ्रॉक को देखते हुए ध्यान रखो बच्चों, पूरा पोर्शन उसका क्या कहलाता है, ट्रंक और आगे की तरफ दो उनके लेग्स ही अपन कहेंगे, फोर लिम हाइंड लिम है पर वो उसको यूज एज ए लेग ही करता है, ठीक है। फिर आता है टिम्पेनम, ईयर, ये वाला जो पोर्शन होता है बाहर अपने ईयर का, ये टिम्पेनम है। ईयर ड्रम रिप्रेजेंट द ईयर, हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड हार्ट हो गया, दो एट्रियम और एक वेंट्रिकल, विथ टू ऑरिकुलर और वन वेंट्रिकल। एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम ओपन इन अ क्लॉकल चैम्बर, यानी तीन सिस्टम एक ही चैम्बर में खुल रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम, या एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूँ मैं तो वो एक चैम्बर में खुलते हैं। दिस चैम्बर इज नॉन एज क्लोकल चैम्बर डेट ओपन टू द आउटसाइड फ्रॉम द क्लोकल एपरेचर, क्लियर। एनिमल आर पॉइकिलोथर्मल, अगेन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ये। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, एंड बाय स्किन वाइल इन वाटर एंड बाय गिल्स इन टैटपॉल। ये क्या कह रहा है, रेस्पिरेशन जो होता है लंग्स के थ्रू हो रहा है, स्किन के थ्रू भी होता है जब ये कहाँ होते हैं, वाटर में होते हैं तब ये स्किन के थ्रू करते हैं, एंड बाय गिल्स, इनके जो टैटपॉल्स होते हैं, लार्वा जो होते हैं वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। सेक्स सेपरेटेड होते हैं, एनिमल आर ओवीपेरस यानी एग ले कहते हैं, विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपिंग इन्वॉल्व अ टैटपोल लार्वा, यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है क्योंकि लार्वल स्टेज आती है बीच में। एग्जाम्पल इक्थियो फिश, बूफो, राना, क्या है, राना टिग्रिस, ये बोलते हैं ना, आपका फ्रॉक का जूलॉजिकल नेम है, सेलामेंडर्स, ये सारे किस में आ रहे हैं, एम्फीबियंस में आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम रेप्टाइल्स पे, रेप्टाइल्स जो होते हैं क्रिपिंग मूवमेंट्स करते हैं, रेंगते हुए चल रहे हैं, क्रिपिंग और क्वेलिंग हैबिट रेस्पेयर टू क्रिप्स एंड क्वेल, एनिमल्स आर कॉल्ड रेप्टाइल्स, इनको रेप्टाइल्स बोला जाता है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल, अब इसमें हेड होता है, नेक होता है, ट्रंक होता है और पीछे की तरफ टेल होती है इनके। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड, इनकी स्किन जो होती है बिल्कुल ड्राई, जबकि वहाँ पे मैंने म्यूकस ग्लैंड बताई थी स्किन में, किस में, एम्फीबियन में, यहाँ पे स्किन ड्राई होती है, कोई ग्लैंड नहीं होती। बॉडी इज कवर्ड बाय हॉर्नी कॉर्निफाइड स्किन, की बॉडी जो होती है वो कॉर्निफाइड स्किन और एपिडर्मल स्केल्स के थ्रू पूरी कवर रहती है। स्नेक देखना, स्नेक में वो जो लाइनिंग बनी हुई होती है वो स्केल्स ही होते हैं जिन्हें स्क्यूट्स भी नाम दिया जाता है। स्नेक एंड लिजार्ड सेट देयर स्केल एज स्किन कास्ट, ये अपने स्केल को सेट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर, ईयर इनका जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टिम्पेनम ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रंक बियर टू पेयर ऑफ लिम्फ होते हैं इनके पास, टू पेयर ऑफ लिम्फ ट्रंक पर। हार्ट थ्री चैम्बर्ड होता है, एक्सेप्शन हो गया क्रोकोडाइल में इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी टू ऑरिकल टू वेंट्रिकल है, बट उनके बीच में पोर प्रेजेंट होता है। पोर प्रेजेंट होने के कारण दिस टाइप ऑफ हार्ट जो है वो क्या कहलाता है, इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट कहला रहा है, ठीक है। और इसी कारण से ऐसा बोला जाता है कि इनके जो प्योर एंड इम्प्योर ब्लड जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के कारण ही ज़्यादा समय तक सुस्त पड़े रहते हैं क्रोकोडाइल।
वेयर इट इज फोर चैम्बर्ड. एनिमल आर यूनिसेक्सुअल, अगेन यूनिसेक्सुअल्स होते हैं. फर्टिलाइजेशन इंटरनल, दे आर ओवोविविपेरस, एग दे रहे हैं और उनका उन्हीं के अंदर, एग के अंदर उनका डेवलपमेंट हो रहा है. किसका? यंग वंस का. दैट इज द एग कंटेन अ फुली डेवलप्ड यंग वंस एट द टाइम व्हेन इट इज लेड एंड डेवलपिंग एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. एग्जाम्पल इसके हो गए आपके कैलोटिस, कैम्बलियन, पॉइजनस स्नेक. स्नेक बता रखे हैं बेटा सारे, ठीक है. तो ये हो गए आपके रेप्टाइल्स, मेनली जो मेनली फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ही बोलेंगे इन्हें हम. नेक्स्ट आते हैं एविज. एविज में सारी बर्ड्स आती हैं. एनिमल्स हो एरियल मोड ऑफ लाइफ, ध्यान रखना एरियल मोड ऑफ लाइफ, उड़ते रहते हैं ये हवा में. बॉडी इज डिवाइडेड इंटू हेड नेक ट्रंक एंड टेल. अगेन वही, बॉडी इज कवर्ड बाई फैदर. मेन स्पेशल करेक्टरिस्टिक फीचर कि इसकी बॉडी जो है वो फैदर से कवर्ड रहती है एंड दे कैन फ्लाई एक्सेप्ट अ फ्यू लाइक ऑस्ट्रिच. ये नॉर्मली फ्लाई करते हैं, इसका एक्सेप्शन केस है ऑस्ट्रिच जो कि फ्लाई नहीं करता है. जॉ आर मॉडिफाइड इंटू बीक, इनके जो जॉ होते हैं बीक में मॉडिफाइड होते हैं. टीथ आर एबसेंट, टीथ नहीं प्रेजेंट होते हैं. स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड, स्किन इनकी ड्राई होती है, ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है. एक्सेप्ट द ऑयल प्रिन ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल, बस केवल और केवल इनकी जो टेल होती है वहाँ पे प्रिन ग्लैंड होती है, ठीक है. ऑयल ग्लैंड होती है एक तरह की जो ऑयल सिक्रेट करती है टेल के आसपास. फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, यानी ये जो हमारे हैंड हैं उनके फोर लिम्ब जो होते हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड कवर्ड बाय फैदर. हाइंड लिम्ब हैव स्केली एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, प्रिचिंग, स्विमिंग एंड रनिंग, टहनियों को पकड़ने के काम में आती है प्रिचिंग, क्लियर. फिर आते हैं हम एंडोस्केलेटन का, बोनी. बोन्स आर होलो विद एयर कैविटी, ये इसका और करेक्टरिस्टिक. एक तो फैदर हो गया पूरी बॉडी पे, फोर लिम्ब जो हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो गए. उसके अलावा इनकी जो बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं, ध्यान रखना. विद एयर कैविटी सच बोन्स आर कॉल्ड न्यूमैटिक बोन्स, इस तरह की बोन्स को न्यूमैटिक बोन्स कहा जाता है. डाइजेस्टिव ट्रैक हैज टू एडिशनल चैम्बर, क्रॉप एंड गिजार्ड. इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में दो एडिशनल चैम्बर होते हैं, क्रॉप और गिजार्ड. हार्ट फूड चैम्बर होता है. देयर आर डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है. एनिमल आर होम्योथर्मल. होम्योथर्मल का मतलब क्या होता है? वार्म ब्लडेड एनिमल जो अपना बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट मेंटेन कर लेते हैं. दिस टाइप ऑफ एनिमल्स इज नॉन एज होम्योथर्मल. रेस्पिरेशन इसमें लंग्स के थ्रू होता है एंड द एयर सैक कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू हो रहा है, इनके जो एयर सैक होते हैं वो लंग्स से कनेक्टेड रहते हैं. एनिमल्स यूनिसेक्सुअल्स होते हैं. एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है इनमें. फर्टिलाइजेशन इंटरनल. एनिमल आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इन डायरेक्ट. एनिमल्स ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है. सारे इसमें क्या आ जाएंगे बच्चों? जितने भी बर्ड्स होते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे. पैवो यानी पिकॉक, कार्वस यानी पिजन, ठीक है. ये आपका क्लियर हुआ क्या? एविज, ठीक है. एविज के बाद नेक्स्ट बोलते हैं हम मैमिलिया. मैमिलिया क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको मैं क्या नाम देती हूँ? मैमिलिया नाम देती हूँ. हैंस एनिमल्स आर कॉल्ड मैमल्स बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड. द करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ क्लास इज द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड विच आर वेस्टिजियल इन मेल बट फंक्शनल इन फीमेल. मेल्स में वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह रहती है बट फीमेल्स जो होती हैं उसमें डेवलप्ड रहती हैं. मिल्क प्रोड्यूस बाय देम इज यूज टू नरिश द यंग वंस को नरिश करने के लिए. प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन द बॉडी, इनकी पूरी बॉडी पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, इज ऑल्सो अ यूनिक फीचर्स. एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना प्रेजेंट होता है और प्रेजेंट. डायफ्राम इज मस्कुलर पोर्शन सॉरी पार्टीशन डेट डिवाइड द ट्रंक इंटरनली इंटू थॉरैक्स एंड एब्डोमिनल कैविटी. देखो बच्चों, हेड हो गया, नेक हो गया, ये ट्रंक वाला पोर्शन हो गया, फोर लिम्ब हो गया, हैंड लिम्ब हो गया. अब हमारा ये वाला पूरा पोर्शन इस जगह पे अपने डायफ्राम होता है, ऊपर वाला पोर्शन पूरा ट्रंक और नीचे वाला पूरा पोर्शन एब्डोमन कहलाता है. ये पूरा आपको एक्सप्लेन कर रहा है. हार्ट फोर चैम्बर्ड होते हैं, डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है. एनिमल्स होम्यो थर्मल, अगेन वार्म ब्लेडेड, अपना बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट मेंटेन कर लेते हैं. रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स इन ऑल. रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द हैबिटेट. फर्टिलाइजेशन इंटरनल. एनिमल्स आर विविपेरस. फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और विविपेरस होते हैं विद अ फ्यू एक्सेप्शन, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑर्निथो राइकस.
विच इज ओविपेरस, ये ओविपेरस होते हैं बट हैज मेमरी ग्लैंड, इनके पास मेमरी ग्लैंड होती हैं। मैक्रोपस, होमोसेपियन, कैनिस, फैलिस, कैमिलस, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हो गया। होमोसेपियन यानी ह्यूमन बींग होता है। तो ये कम्प्लीट आपका चैप्टर यहाँ पे हो गया है कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में मेन मैंने क्लासेस आपको पढ़ाई, उसमें हम लोगों ने देखा था सिफिलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में एक ने था मैं साइक्लोस्टोमेटा पढ़ा, और ग्नेथोस्टोमेटा में हमने फिर दो क्लासेस पढ़ी ग्नेथोस्टोमेटा। ठीक है, ग्नेथोस्टोमेटा में अगेन हमने एक तो पढ़ा पीसीज, दूसरा पढ़ा टेट्रापोडा। पीसीज में क्या होते हैं, फोर लिम और हाइंड लिम में कन्वर्जन नहीं होता है इसलिए, और उनमें मेनली दो क्लासेस कौन कौन सी थी, ऑस्टियोथाइटिस और कॉन्ड्रोथाइटिस। फिर हमने पढ़ी टेट्रापोडा की चार क्लासेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एविज एंड मैमेलिया। क्लियर, तो ये चैप्टर फिनिश हो गया है आपका यहाँ पे। ठीक है।